वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग को बताने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन जॉब 2019 के लिए अभी जो है DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो दोस्तों, सिलेबस का पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद ही आप लोग कुछ कॉमेंट कीजिएगा। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, हमने यहाँ पे एक PDF बनाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगेगी इस PDF में, जो कि जानकारी के साथ ये PDF बनाया गया, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे, हमने आप यहाँ लिखे हुए हैं कि वेल्ट्रॉन DEO एग्ज़ाम सिलेबस, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी जो है 10 टॉपिक के ऊपर जो हमने यहाँ पर सिलेबस का एक PDF बनाया है जो कि फुल जानकारी के साथ, ठीक है। तो अब मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, ये जो 10 टॉपिक है ये PDF के रूप में आप लोग को दिया जा रहा है। आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए किस किस जगह से जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि देख पाएंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर से आप लोग का क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जो कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग का, इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज से आप लोग का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह दोस्तों आप लोग का देख पाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी फंक्शन आते हैं सभी का आप लोग का जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, इसी तरह जो थर्ड स्टेप पे जो है बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग से आप लोग का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो, क्योंकि आप लोग का जो ऑफिस लेवल आप लोग का वर्क करना है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ, उसके बाद फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स में आप लोग का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद मैं आप लोग को बता दूँ जो फिफ्थ नंबर पे है मेल मर्ज, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इसी से भी आप लोग का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट से भी आप लोग का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह मैं आप लोग को बता दूँ बेसिक ऑफ जो स्प्रेडशीट, ठीक है, इससे भी आप लोग का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं आप लोग को बता दूँ यहाँ पर फॉर्मेटिंग आप लोग का वर्कशीट, इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे बेसिक ऑफ वर्क प्रोसेसिंग, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, इसी तरह आप लोग देख पाएंगे आप लोग के लिए दोस्तों यहाँ पे हमने जो है लास्ट में 10 पॉइंट आप लोग के लिए लाए हैं। इसमें आप लोग को टॉपिक वाइज आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है, आप लोग बुक खरीद लीजिए, बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोग का है क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं, ठीक, जो एक लाइन का क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो क्वेश्चन से आप लोग का पूछे जाएंगे और क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग अपने से पढ़ सकते हैं बुक खरीद के, या फिर दोस्तों आप लोग वेट करते रहिए, आप लोग को डेली जो है टॉपिक वाइज जो है आप लोग का कम से कम 50 क्वेश्चंस आप लोग को करवाने वाले हैं, सिलेबस का वीडियो अपलोड होने वाला है। जैसे बेसिक ऑफ कंप्यूटर का आप लोग का कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जितने भी वो कलेक्ट कर पाएंगे, कलेक्ट करके PDF बना के आप लोग को जो है प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। इसी तरह जो टॉपिक वाइज आप लोग को जो है कम से कम यहाँ पर आप लोग को मैं बता दूँ 30 वीडियो आप लोग को देने वाले हैं और 30 PDF देने वाले हैं, तो वेट कर लीजिएगा। और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर में जो आप लोग का टाइपिंग होने वाला है, जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, उससे रिलेटेड जो है और एक वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि फुल आप लोग को बता देंगे कौन से सॉफ्टवेयर से लिया जाएगा। और दोस्तों जो आप लोग को बता दूँ, इससे रिलेटेड जानकारी लिया जा रहा है, तो वेट कर लीजिएगा, सटीक जानकारी के साथ आएंगे। इस वीडियो में आप लोग को इतना ही बताना था सिलेबस का पैटर्न किस प्रकार से, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा दोस्तों, वेट कर लीजिएगा, वीडियो आते रहेगा सिलेबस का। तो दोस्तों बस यही कुछ था, मिलेंगे बहुत जल्द और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।